फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतास किचन मैजिक। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, बहुत ही सिंपल है, यूनिक है और बहुत ही इजी है, और जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाती है वो है हमारी साबूदाना की बर्फी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाना बर्फी बनाने के लिए हमने ये लिया है 1 कप साबूदाना, जो इस तरह के मार्केट में मिलते हैं व्हाइट वाले, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के लेंगे। और ये वेट में बोले तो है हमारा 200 ग्राम। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, साबूदाने को हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टॉवल लेंगे, थोड़ा सा गीला टॉवल है, हम थोड़ा सा गीला ही लेंगे। तो इस तरह से इस पर हम टॉवल पे फैला देंगे और इसको इस तरह करके इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इस तरह क्लीन करने से क्या होगा कि जो भी हमारी साबूदाना के ऊपर इम्प्योरिटीज होती हैं वो एकदम क्लीन हो जाएंगे। गैस पे एक पैन रखेंगे और उसमें डाल के उसे ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें हम किसी तरह का घी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ड्राई रोस्ट करना है इनको, ताकि जो हमने साबूदाना पोंछा था गीले टॉवल से उसके कारण जिसमें थोड़ा सा जो मॉइस्चर आ गया होगा वो हमारा रोस्ट करने से खत्म हो जाएगा। और साथ ही हम दूसरे गैस पर हम अपना दूध रख देंगे बॉयल करने के लिए। मैंने गैस ऑन कर लिया, इसमें एक गहरी सी कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं पहले से बॉयल किया हुआ 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध ले रही हूँ। मलाई के साथ ही हम इसको इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको धीरे धीरे पकने देंगे कि जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और दूसरी साइड हम अपनी साबूदाने को भी हल्का हल्का इस तरह से रोस्ट करते रहेंगे। अब देखिए 4 से 5 मिनट मुझे इस साबूदाने को चलाते हुए हो गया है, अच्छे से देखिए भुन भी गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया देखिए, और बहुत क्रंची हो गया है। जब हम अच्छे से भुन जाएगा हमारा साबूदाना तो आपको उसकी आवाज से चलाने से ही पता लग जाएगा, और आप उसको उठाकर थोड़ा सा कूट के देख सकते हैं, इसका पाउडर बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा साबूदाना अच्छे से भुन गया है। अब हम अपनी गैस को कर देंगे बंद और हमारा दूध भी देखिए इधर अच्छे से उबल गया है, एक बॉयल आ गया है हमारे दूध में। अब हम इसको कर देंगे स्लो टू मीडियम, इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे ताकि दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और हम साबूदाने को एक प्लेट में निकाल लेते हैं जिससे ये ठंडा हो जाए और हम इसका पाउडर बना सके। देखिए मैंने साबूदाना एक प्लेट में निकाल लिया और इसको मैं फैन के नीचे रख देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जल्दी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद में हम इसका पाउडर बना। अब मैंने इस तरह से अपने साबूदाना को जो हमने भूना था उसका बहुत ही बारीक पाउडर बना दिया, और इसको हम थोड़ा छान लेंगे। और साथ ही मैंने इस तरह का जो गोला आता है हमारा, मैंने उसको भी थोड़ा कद्दूकस कर लिया है, और मैंने लिया है वो भी 2 से 3 टेबलस्पून। अभी हम इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं साबूदाना के पाउडर को, जिससे कि हम जो है बहुत ही टेस्टी बनेंगी। देखिए हमारा दूध उबल उबल के काफ़ी कम हो गया है और कितना गाढ़ा भी हो गया है, इसके अच्छी खासी मलाई आपको दिखाई दे रही है। इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे चीनी, 1/2 कप चीनी हम इसमें यूज कर रहे हैं। 1/2 कप चीनी बोले तो 100 ग्राम चीनी हमने यूज की है 1/2 लीटर दूध में। और साथ ही मैं इस दूध में जो है अपने ये थोड़े से मैंने 1 टेबल स्पून के करीब काजू दरदरे कूट लिए हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने बादाम जो है दरदरे कूट लिए, वो भी मैं इसी में डाल दूंगी दूध में। और 8 से 10 इलायचियों को मैंने पाउडर बना लिया है कूट के, उसको भी मैं दूध में ही मिक्स कर, और इसमें थोड़ा सा बॉयल आने देंगे ताकि हमारी चीनी जो है अच्छे से खुल जाए और दूध हमारा और थोड़ा गाढ़ा हो। हम इसी तरह भी चलाएंगे थोड़ा साबूदाना का पाउडर, हमें उसे भूनने के लिए एक पैन रख लिया गैस में। इसमें मैंने पैन हमारा गर्म हो गया, मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप देसी घी, अगर हम ग्राम में बोले तो 50 ग्राम के करीब हम इसमें देसी घी का यूज करेंगे। अब हमारा घी हो गया अच्छे से गर्म और हम अपना इसमें साबूदाना के पाउडर को छान कर डालेंगे, ताकि जो उसमें थोड़े मोटे मोटे पीसेस होंगे वो निकल जाएंगे हमारे, जो हमारी बर्फी के टेक्सचर को खराब नहीं करें, इससे हमारी बर्फी का टेक्सचर जो है एकदम स्मूथ सिल्की बने। इस तरह से हम इसको स्लो टू मीडियम गैस पर थोड़ा थोड़ा भून लेंगे। हमने पहले भी साबूदाने को भून लिया था तो हमें उसको इतना ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम इसको स्लो टू मीडियम गैस पे थोड़ा थोड़ा भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। अब 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा और चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे जो है हम अपना ये नारियल जो हमने कद्दूकस किया हुआ था 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे, और इसको भी हम इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा भून लेंगे। इस तरह से चलाते हुए ही स्लो टू मीडियम गैस पे ही इसको हम हल्का हल्का भून लेंगे। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ये साबूदाना का पाउडर है अच्छे से भून गया है। किसी भी चीज को जब हम भूनते हैं तो उसकी खुशबू से ही हमें पता लग जाता है कि वो हमारा भून गया है अच्छे से। इससे ज्यादा हम उसको भूनेंगे तो वो कड़वा हो जाएगा एकदम। तो अब इस स्टेज पे जो है हम अपनी गैस को कर देंगे एकदम बंद, तो थोड़ा सा हम नॉर्मल आने देंगे अभी इसी पैन में। देखिए हमारा ये दूध जो काफी गाढ़ा हो गया है, इसमें हम अपना धीरे धीरे
ये साबुदाने के पाउडर को मिक्स करते जाएंगे और चलाते जाएंगे ताकि हमारी गांठें नहीं पड़े। इस तरह से बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी में वो आ गया है हमारा ये मिक्सचर। फटाफट हम इसको ऐसे ही चलाएंगे ताकि जल्दी से जमने ना लगे। अच्छा, एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी हो गई हमारी। देखिए ये मिक्सचर जो है हमारा बिल्कुल अपनी कढ़ाई को छोड़ने लग गया है, बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है जमने। तो चलिए इसे हम एक ट्रे में ट्रांसफर कर लेते हैं जमाने के लिए और गैस को हम कर देते हैं बंद। अब इस तरह से मेरे पास एक ये बर्फी की ट्रे है, मैंने इसको ग्रीस कर लिया है देसी घी से। अगर आपके पास में बर्फी की ट्रे ना हो तो आप कोई भी गोल थाली लेनी है, प्लेट लेनी किनारे वाली, जिसमें आप इसको सेट कर सकें अच्छे से। अब इसमें जो है अपना मिक्सचर ट्रांसफर कर लेते हैं। हमने अपना अपना मिक्सचर इसमें अच्छे से ट्रांसफर कर लिया है और इसको फैला लेते हैं। इसको जो है हम चम्मच में बैक साइड पे देसी घी लगा इस तरह से अच्छे सेट कर लेंगे ताकि ये इक्वली स्प्रेड हो जाए हमारी ट्रे में, इक्वल ही पीसेस जो है हमारे इसके निकले। घी लगाना इसलिए जरूरी है, अगर आप किसी भी चीज से इसको सेट करेंगे तो वो चिपक के वापस आ, घी लगाने से ये जो है हमारा मिक्सचर के ऊपर चिपकेगा नहीं, नहीं चिपक रहा है। अगर आप घी नहीं लगाते चम्मच पे तो आपका मिक्सचर जो है चिपकता। देखिए मिक्सचर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसको हम ऊपर से गार्निश कर देंगे अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट से, चाहे आप बादाम लगाएं, चाहे पिस्ता, चाहे काजू, जो आपको पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो नवरात्रे आने वाले हैं और व्रत में जो है बाहर से खाना मिठाई कम पसंद करते हैं, हमें पता नहीं होता बाहर इस तरह का दूध यूज किया जा रहा है। इस तरह से अपने घर पर शुद्धता के साथ में अपनी मिठाई बना सकते हैं और नवरात्रों में खा सकते हैं और पूरे नवरात्रों के लिए भी बना के हम स्टोर करके रख सकते हैं इस मिठाई को, क्योंकि ये पूरे एक हफ्ता 10 दिन आराम से चलती है। इस तरह से हम इसको गार्निश करेंगे। इस तरह से मैंने अपनी साबुदाने की बर्फी को बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लिया अच्छे से और अब मैं इसको सेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी, तकरीबन 1 घंटे के लिए। इस तरह से 1 घंटे बाद मैंने देखिए अपनी बर्फी को फ्रिज से निकाल लिया है, वो एकदम अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जितनी बड़ी बर्फी आप चाहें उतनी बड़ी बर्फी का स्लाइस जो है आप काट सकते हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छे से एकदम सेट हो गया है। इस तरह से मैंने अपनी साबुदाना स्लाइसेस को अलग अलग करके प्लेट में निकाल दिया। इस तरह से हमारी ये सुपर टेस्टी सुपर इजी साबुदाना बर्फी हो गई है तैयार। आप भी इस रेसिपी को इन नवरात्रों में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से हमारी साबुदाना बर्फी हो गई है बिल्कुल तैयार, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो इन नवरात्रों में आप भी बनाइएगा साबुदाना बर्फी और सभी को घर में खिलाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।